सर ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक मशीन है जी। इस मशीन के द्वारा जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है एक दिन का एक टन इसके अंदर माल बन करके तैयार होता है, तो इसमें महज दो लेबर को लगा करके मशीन ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक है तो सारा काम ऑटोमेटिक होता है जी। सिर्फ एक लेबर रहेगा जो मशीन चलाएगा, दूसरा जो माल सेल करेगा जी। अगर किसी को और ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो दो लेबर लगाएं और एक मार्केट में सेल करने के लिए लगाएं, तो तीन जनों की आवश्यकता रहेगी। मैडम ये जो मशीन है इससे हम डेली का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं? सर इस मशीन का उपयोग करके रोजाना का एक टन माल बना करके तैयार कर सकते हैं, इससे और भी अधिक बना सकते हैं। अब हम मशीन को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से वायर लगाया है। दोस्तों ये जो बिजनेस आइडियाज आज मैं बताने वाला हूं तूफान पैसा कमा करके देंगे और इतने कम लागत में शुरू होते हैं कि आपको कर्जा तो नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको आपकी लाइफ को लेवल करना है तो दोस्तों आज के बिजनेस आइडियाज आपके लिए ही हैं। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है इसमें प्रति केजी मात्र 5 रुपए का ही मुनाफा आपको होगा, लेकिन ये मशीन डेली का 1 टन का प्रोडक्शन आपको करके देगी। यानी कि आप सोचिए कि आप रोजाना का कितना पैसा कमा पाओगे। दोस्तों अगर आप भी अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मशीन लेकर के आया हूं जो आपको प्रतिदिन 5,000 से लेकर के 8,000 रुपए तक कमा करके देगी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आया हूं एसके इंडस्ट्रीज भिलवाड़ा राजस्थान में और आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिससे आप रोजाना की 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। ये बिजनेस आइडियाज को समझाने के लिए हमारे पास है एसके इंडस्ट्रीज से मिस भारती मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत है हमारी कंपनी एसके इंडस्ट्री में जी। मैडम मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों बिजनेस आइडियाज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ समझाइए। सर मैं आपको बिजनेस से पहले हमारी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी जो कंपनी भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर है, पिछले 20 सालों से मशीनें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हर तरीके की मशीनें बनकर के तैयार होती है। 7,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक की यहाँ मशीनें हैं। अलग अलग टाइप की मशीनें, कोई घरेलू उद्योग से करना चाहे या कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे, हर टाइप की यहाँ पर मशीनें हैं। आज जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, बारबेंड वायर के बारे में बताने जा रही हूँ, कैसे बन करके तैयार होता है, कैसे गाँव क्षेत्र में हमारे जो भाई बहन है वो उद्योग कर सकते हैं। मैडम ये जो दो बिजनेस आइडियाज आज आप लेकर के आई हैं, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि इसकी डिमांड मार्केट में कितनी है। सर इसकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा है कि दिन और रात भी अगर प्रोडक्शन करेंगे हमारे भाई तो वो भी कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, इतनी मार्केट में डिमांड है इसकी। मैडम ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में चलता है? सर इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में, जैसे आप देख लो हार्डवेयर शॉप पर देख लो जी, आप देखते हो जो किसान लोग होते हैं तो डायरेक्ट उनको भी दे सकते हो माल, क्योंकि उनके लिए तो ज्यादा बेनिफिट है और आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि इसमें मुनाफा कहीं ज्यादा होगा जी। और मैडम ये जो दो मशीन आज आप बताने वाली है ये कितना माल एक दिन में तैयार कर सकती है? सर अलग अलग है, ये जो मशीन है कटीले तार बनाने की मशीन है, इस मशीन का जो प्रोडक्शन होगा 1 टन होगा और इससे अधिक बनाना चाहे तो अधिक भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये जो हमारी मशीन है फेंसिंग तार बनाने की मशीन है, इसका जो प्रोडक्शन होगा एक दिन का 800 से 900 केजी होगा। ओके तो मैडम मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों मशीन का लाइव डेमो इस वीडियो में दिखाएं। जी सर बिल्कुल, इन मशीनों का डेमो करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रोडक्ट बनकर के तैयार होता है। तो दोस्तों रॉ मटेरियल से लेकर के एंड प्रोडक्ट तक सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा और दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर ये जो मशीन है इस प्रकार का इसका रॉ मटेरियल आता है, इसको वायर कहते हैं। ये आपकी लोकल मार्केट में 50 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाता है, डिपेंड अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसकी प्राइस अलग अलग होती है। 50 रुपए केजी के हिसाब से? 85 रुपए केजी। ओके, जैसे डिपेंड जो उनकी मार्केट में प्राइस होती है जी उस हिसाब से मिलता है जी। इसको जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है 95 रुपए केजी के हिसाब से जाता है। अच्छा, यानी कि प्रति केजी 10 रुपए का मुनाफा आपको तैयार होता है और इसमें लाइट खर्चा लेबर खर्चा सब निकाल के 5 रुपए का मुनाफा इसमें लेकर के चलो एक केजी पर। इसमें इस प्रकार से इसके चारों तरफ इस प्रकार के वायर लगे होते हैं जी। यहाँ पर मैडम ये पूरा सेट करना होता है जब कटीले तार बन करके तैयार होते हैं, चारों का प्रोसेस होता है जी जी जी। इनको क्लिक करना होता है और इस प्रकार से लगाना होता है जी। जब ये कोई भी मशीन खरीदता है और अपने यहाँ पर बिजनेस करता है तो हमारे टेक्नीशियन यहाँ से जाते हैं जी, इनको पूरा सेट करके देते हैं। ओके सर,
अंदर वजन की बात करते हैं तो इसका जो वजन है वो 1 टन के लगभग है जी। ये जो प्रोडक्शन करती है वो 1 टन के लगभग करती है प्रोडक्शन। 1 टन डेली का मैडम? जी सर बिल्कुल डेली का जी। इससे अधिक भी करती है अगर कोई अधिक चलाना चाहे, डिपेंड मैनुअल पावर पर कैसे ऑपरेट करते हैं, किस टाइप से चलाते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है इस प्रकार से फाइनल यहाँ से प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। ये जो मशीन ऑपरेट होगी 3 फेस लाइट से ऑपरेट होती है सर जी। और मैडम अभी ये मशीन का क्या आप हमें लाइव डेमो दिखा सकते हैं कि कैसे इसका प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है? जी सर बिल्कुल, इसका डेमो करके बताते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर प्रोडक्ट बनकर के तैयार होता है। जी ये जो बिजनेस है एक तो हमने देखा और ये जो दूसरा बिजनेस है इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये जो मशीन है फेंसिंग तार बनाने की मशीन है। इस मशीन के द्वारा फेंसिंग तार बनकर के तैयार होती है। जैसे कॉलेज में देख लो, स्कूल वगैरह में देख लो, तारें जो लगी हुई होती है वो इन मशीनों के द्वारा बनकर के तैयार होती है जी। सबसे पहले मशीन को ऑन करेंगे, आपने देखा ये मशीन को स्टार्ट किया था तो ये किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाती है और इसी को जो है अटैच करके पूरा एक फेंसिंग तार का बंडल तैयार किया जाता है जिसकी मार्केट में इतनी डिमांड है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। मैडम मैं जानना चाहूंगा कि ये कितनी लागत में बन करके तैयार होता है और मार्केट में कितने में सेल होता है? इसका जो रॉ मटेरियल होता है वायर होता है 85 रुपए केजी के हिसाब से आता है। जब इस मार्केट में सेल करते हैं तो 95 रुपए केजी के हिसाब से जाता है। अच्छा यानी ये भी जो है वो कटीली तार के तरह ही सेम है रेट इसका? ओके, एकदम सेम वायर होता है, सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट बनकर प्रोडक्ट होता है जी। सब कुछ खर्चा निकालेंगे और 5 रुपए मुनाफा ले सकते हैं 1 केजी पर। ओके, तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस करो या चाहे आप वो बिजनेस करो दोनों में आपको सेम प्रॉफिट है और अगर आप दोनों भी करोगे तो दोनों प्रोडक्ट आपके पास होंगे। मैडम ये जो दो बिजनेस आइडियाज आज आपने हमें बताए हैं ये बिजनेस आइडियाज को शुरू करने में कितना खर्चा आएगा आप ये बता दीजिए। सर जो फेंसिंग मशीन की प्राइस है वो 85,000 की मशीन है और ये जो मशीन है ये 2,30,000 की मशीन है। ये जो कटीली तार की जो मशीन है 2,30,000 की है और ये जो है ये 95 जी और जीएसटी ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा है। जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन दोनों का एक्स्ट्रा है। मैडम ये कहाँ कहाँ तक आप जो है ये मशीन को भेज सकते हैं? सर ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर हर क्षेत्र में जाती है हमारी मशीन। हर क्षेत्र में आपकी मशीन जाती है जी। और मैडम ये जो बिजनेस है अगर कोई भी स्टार्ट करता है तो जैसे ये मशीनरीज हैं तो ये मशीनरीज में आप जैसे अभी हमने देखा कि काफी सारे गियर्स और पार्ट्स लगे हुए हैं तो काफी लोग होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी या नॉलेज नहीं होती तो ये मशीन को ऑपरेट कैसे करेंगे? सर ऑपरेट करने के लिए हमारे से टेक्नीशियन भेजा जाता है, टेक्नीशियन द्वारा यहाँ पर मशीन वहाँ पर उनके आ जाएगा और मशीनों का जो पूरा प्रोसेस है पूरा सेटअप है तैयार करके उनको वहाँ पर दिया जाएगा। ओके तो दोस्तों ये दो जो बिजनेस आइडियाज हैं दोनों के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कुछ ना समझ आए तो स्क्रीन के ऊपर एसके इंडस्ट्रीज का नंबर है, सीधा कॉल कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस दिया है हमने इस कंपनी का, भिलवाड़ा राजस्थान में कंपनी है। आप आइए लाइव दोनों मशीन्स देखिए चला करके और दोनों बिजनेस मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। भारती मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत। और आपने जो ये बिजनेस आइडियाज हमारे दर्शकों को बताया, दोस्तों एक बात याद रखिएगा ये जो दोनों बिजनेस आइडियाज हैं ये प्रोडक्ट बहुत चलते हैं लेकिन इसको बनाना कैसा है ये कभी कोई नहीं बताता और ये बिजनेस आइडिया अगर कोई करता भी है आपके लोकल में तो वो छुपा करके करते हैं ताकि
ताकि कंपटीशन ना जनरेट हो। तो दोस्तों अगर आप भी बनना चाहते हैं कोई बड़ा आदमी तो आपको जरूर ये बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।